अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज के दिन क्या एक्टिविटीज़ होती है, कैसे दिन गुजरता है, आप लोग मेरे साथ स्लॉग में जुड़े रहें और देखते जाएं आज के दिन हम क्या क्या करते हैं। अभी ये सुबह का टाइम, सो दिन शुरुआत हो चुका है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, तो मेरे लास्ट सेमेस्टर की फ़ीस आ गई है, तो मैं भाई को बोल रही हूँ कि तुम जाओ मेरी फ़ीस दे के आओ, क्योंकि टीचर के ग्रुप में मैसेज आ रहे थे, इस वजह से मैंने भाई को बोला है। और अभी भाई जाएगा, बस पिक्चर वगैरह और कार्ड की कॉपी चाहिए उनको और फीस चाहिए, फॉर्म वो खुद फिल कर देंगे। सो अभी मैं भाई को भेज रहा हूँ, भाई जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। सो मेरे जो एग्ज़ाम होंगे वो दिसंबर में होंगे, और वाइवास जो भी कुछ होगा वो सारा दिसंबर में होगा। सो मेरा ये लास्ट सेमेस्टर है, बस आप लोग दुआ करना अच्छे से हो जाए। तो ये छोटी खड़ी हुई है, ये रात को गई थी सिटी, तो ये गाड़ी लेके आई है। और ये देखे, ये इसकी चप्पल न्यू लेके आई, चप्पल तो इसकी कमजोरी है। केरी गाड़ी गिनाई है, नवी दिखला ई से दिखा दिखला। फ्रेंड्स, तो इसने भाई को बोला कि मुझे चप्पल चाहिए, उसके साथ ये गाड़ी भी चाहिए। भाई ने बोला कि तुम चप्पल ले लो, गाड़ी को छोड़ो, गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है। तो भाई को बोलने लगे, मैंने चप्पल नहीं लेनी, मुझे गाड़ी लेके दो। और ये बलून अभी मुंह में इसमें चपा रही है, कट कट ना ना कट, फोड़ा फोड़ा, शाबाश। गाना गा, अपनी गाड़ी भी वो निकालो, साथ में जाना तुझको बिठा लो, मछली पला खिलाओ तुझे सिंध दरिया के किनारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज है सारे। तो वेदर चेक करें, अभी फिर से बादल हो गए और पता नहीं क्या होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो फैमिली सो रही है, वो टीवी चल रही है, अभी देखिए आप लोग। गाइस, ये बादल देखें, बिल्कुल बरसने वाले हो गए, पता नहीं क्या होगा। और अभी मैंने खाना भी पकाना है, सो लेट्स गो, ट्राई करते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, चलते हैं काम की तरफ। गाइस, आज इतनी शिद्दत की गर्मी हुई है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। सो मैं अभी जा रही हूँ काम करने के लिए, मुझे पकानी है रोटी। और इससे पहले मैं जैसे नींद से उठी तो मैं मामू वालों के घर चली गई थी चाय पीने, फिर वहाँ से आके नमाज पढ़ी। सो अभी पकाऊंगी रोटी, रोटी वाली जगह तो मैंने साफ कर ली है, बस अब थोड़े बहुत बर्तन साफ कर लूँ रोटी वाले ही, फिर रोटी पकाना स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि यार मौसम का पता नहीं, खाने पकाने की जगह हमको अंदर ही नहीं, क्योंकि सिलेंडर गैस पर मुझे रोटी पकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। सो असल में वो देर करती है, लकड़ियों वाली देर नहीं करती, समय जल्दी से फटाफट रोटी पका लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी शाम को। गाइस, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अभी सालन नहीं बना, वरना मैं रोटी खा लेती। तो सिस्टर ने बोला मैं चाय बना रही हूँ, चाय के साथ बिस्किट खा लो। पहले मेरा इरादा था मैगी बना लूँ, और मैंने पापड़ वगैरह भी बहुत खाए, अभी मेरा जो स्टोमिक जल रहा है। मैं चाय भी खाती हूँ आप लोगों को, और अभी उसके साथ खाऊँगी मैं ढेर सारे बिस्किट, ताकि मेरी कुछ भूख कम हो जाए। गाइस, ये देखें हमारी चाय बन रही है, अब जैसे बन जाएगी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस, ये देखें, ये जैसे घर से आती है, इसको और कोई काम नहीं है, बस इसको मोबाइल देखनी है, मोबाइल देखनी है, से हाय। और ये इसके भाई बहन है, और ये देखें कैसे मोबाइल देख रही है। गाइस, ये देखें भाई खड़ा हुआ है, हाय, हाथ हिला दे। ये देखें इसका हाथ हिलाना, इतना भी कोई खुद गर्द ना भरे जितना ये बंदा है। ये सुबह को गया था मेरा फॉर्म भरवाने, क्योंकि मैंने सर से बात की थी, उसने बोला आ जाए। ये हाय देखो। गाइस, मैं खाऊंगी अभी मेरी बिस्किट और उसके साथ ये नान कटाई। गाइस, ये देखें हमारी चाय बन के रेडी हो गई है, सो अभी बस हम चाय पियेंगे और मैं खाऊंगी बिस्किट। तो गाइस, आज के लोग को इसी चाय के साथ एंड करते हैं। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मैं आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी, मुझे और मेरे फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। आज ऐसे बाय बाय कर रही हूँ।